बिल्कुल, मैं बिल्कुल विरोध कर रही हूँ उनके बयान का। मैं विरोध करती हूँ अखंड भारत का, इसलिए अखंड भारत का विरोध करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसा देश जो है आज इतने देश का हमारे नुकसान कर चुके, इतनी सेना के जवान मर चुके। आज भी आप देख लीजिए कितनी तकलीफें हैं, कितनी बेटियां विधवा हुई हैं, और आप उसको अखंड भारत के तहत भारत में लाना चाहते हैं। क्यों स्टालिन ने धर्म पर ठेस पहुंचाई? मैंने बिल्कुल, मैं सुनिए मेरी बात, अपील से वो मेरी वीडियो में से नहीं सुन लेंगी। दूसरी बात, मैं साफ बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, चाहे ऐसा कांग्रेस से गठबंधन हो चाहे किसी से भी हो, स्टालिन ने गलत बोला है और बिल्कुल हम जैसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। देखिए, मैं उनसे गठबंधन तोड़ने के लिए क्यों अपील करूँ? क्योंकि मैं पार्टी से पहले, देखिए अगर पार्टी का मामला सुनिए, नहीं नहीं नहीं, अगर पार्टी का मामला आता है तो कभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट किया है। ये भी देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि आप उनको बोलिए, उन्होंने गलत बोला है, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ हाईकमान को कि उनको बोलिए आप कि उन्होंने जो बोला है गलत बोला है, भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। संविधान अभी आया था 75 साल पहले 70 साल पहले, और धर्म बाबा साहब ने लिखी है, बाबा साहब का, देखिए संविधान को हमने अपनाया है, मानते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान अभी आया 70 75 साल पहले, और धर्म धर्म, अरे मैडम सुन लीजिए, धर्म 75 साल पहले संविधान आया, क्या 75 साल पहले आप ऐसा बोल सकती थी? जींस मेयर पैंट, देखिए देश भी आजाद नहीं था ना, मैं तो बिल्कुल सम्मान करती हूँ बाबा साहब का कि आज हम बोल रहे, कितने मंचों पे हमने बोला। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात, सारे सुंदर की सारी महिलाएं, देखिए मैंने तो बोला कि आज हम इतनी आजादी से बोलते हैं, बाबा साहब की देन है संविधान में, मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ, लेकिन आज जब हम पैदा हुए हैं, लेकिन संविधान से पहले तो धर्म था ना, लेकिन मैंने कभी संविधान का विरोध किया हो और गलत बात का, धर्म की पुस्तकों का या किसी धर्म गुरु का सपोर्ट किया हो तो आप वो मुझे बताइए। जो मोदी जी के सलाहकार हैं वो बिना मोदी जी के सलाह के वो कुछ नहीं करते होंगे, ठीक, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी को तकलीफ है, देश के प्रधानमंत्री को भारत के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है। दलितों के लिए इतनी प्राथमिकताएं संविधान में दी गई हैं, महिलाओं के लिए दिए गए हैं, जबकि ये इतने महिला विरोधी होते हैं, इतना महिला का ये विरोध करते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत है। तो इसलिए मोदी जी के नियम अनुसार, मोदी जी के कहने पर मोदी जी के सलाहकार ने ये बयान दिया है, और ना ये पता था कि अखंड भारत का बोर्ड लगेगा। अखंड भारत क्या है मैं पूछना चाहती हूँ? अखंड भारत, अखंड भारत है कि जो देश की सीमाएं अब भारत में नहीं है, जब पहले भारत में थी, आज वो अलग देश बन चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो म्यांमार है, वर्मा, ठीक, ये पहले भारत में आता था, अखंड भारत का हिस्सा था, आज ये अखंड में नहीं, तो क्या ये अखंड भारत के तहत पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय करेंगे? उस देश को जिसने इतनी बेटियों को विधवा किया है, इतनी बेटियों की जो है भाइयों को छीना है, इतनी माँ की कोक उजाड़ी है, उस पाकिस्तान को जिन्होंने इतना समय समय पर हमारे देश को नुकसान पहुँचाया, अखंड भारत के तहत तो वो भी आ रहा है ना। देखिए जब भी कोई ऐसी बात आती है, पार्टी कोई भी उठा लीजिए इस देश की, जब भी ये कोई बयान दिलवा देते हैं, जब इनको उसके साइड इफेक्ट नज़र आते हैं तो ये पार्टी किनारा कर लेती है, इस बात में कोई दोहरा है नहीं, कोई भी पार्टी आप उठा लीजिए। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति जो है, इतने बड़े पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका सलाहकार ये गलती तो ऐसे नहीं कर सकता बिना सलाह के। ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं आज बैठे हुए जींस पहन करके कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं, तो ये संविधान की देन है, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, इसमें जो भागीदारी है, संविधान को सामने मद्देनजर रखते हुए इंदिरा जी ने हमें ये अधिकार दिया, ठीक, और इसमें हम आज बोल रहे हैं, इतने अधिकार से, इतने हक से अपनी बात कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है संविधान में, क्योंकि ये पहले से ही दलित विरोधी है, सुनिए इनमें मेरी बात, सुनिए ये पूरा का पूरा जो सबसे ज़्यादा जो है भाजपा और हमारे जो देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा में, वो दलितों से बहुत चिढ़ते हैं, और संविधान में दलितों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये बहुत जो है दबाया गया, इनको परेशान किया गया, तो ये एक इक्वल उस पर आ जाए, बराबरी पर थोड़ा आ जाए, इसलिए इनको ज़्यादा अधिकार दिए। तो ये तो पहले से ही दलितों से और महिलाओं से चिढ़ते हैं, इसलिए चाहते हैं संविधान बदल दें इनको। देखिए पूरे सरकार के, जो भाजपा सरकार है उसके तो पूरे पीछे हमेशा संघ ही होता है, संघ की मानसिकता है संविधान बदलना। संविधान बदलना, बेटियों के लिए बात ना करना, बेटियों को बदनाम करना, बेटियों के लिए एक इन्हीं का नेता था वो सदानंद पतिजन, कौन सा पति था वो ये कहता था कि वो जो पति था पता ना कौन सा, तो वो कहता था कि महिलाएं वहां जाती हैं भाजपा में और न जाने क्या क्या करती हैं, ये करती हैं वो करती, तो ऐसी मानसिकता रखने वाले ही लोग इस चीज को करते हैं। और ये किससे जुड़े हुए हैं? सब RSS से जुड़े हुए हैं। आप एक भी व्यक्ति जो है, अब जो व्यक्ति इनकी पार्टी में अच्छे हैं तो उनको तो इन्होंने बैकफुट पे किया हुआ है,
जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको तो अच्छा ही कहा जाएगा। जब इनके पास हमें ऐसा कोई लीडर नहीं लग रहा, नज़र नहीं आ रहा कि इस देश के संविधान की बात करें, देश में कानून व्यवस्था की बात करें, देश में महिलाओं की बात करें, देश में शिक्षा की बात करें, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो हम बात ही कैसे करें। आज मौजूदा जो है, अभी आपने G20 कराया और दुनिया को ये दिखाया, चलाना चाहते हैं देखिए, ये जो है तानाशाह के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि जब नई संसद हमारी इसकी ओपनिंग हुई थी तो आपने देख लिया था, जो देश में मेडल लाने वाली महिलाएं हैं, पहलवान हैं, उनकी उनको पीड़ित करने वाले व्यक्ति को नई संसद में ले जाया गया। और सिंगोल क्या है? सिंगोल एक राजतंत्र का प्रतीक है और इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो क्या राजतंत्र? तो उन्होंने छुआ क्या उसको कि जिस व्यक्ति को यह पता, हाथ लगाने से इसको मेरे देश के लिए खराब है, मेरी देश की जनता के लिए खराब है। उस व्यक्ति ने, नेहरू जी ने उस सिंबल, हाँ ठीक है सम्मान में लोग देते थे कि अब आप जीते हो आप रखो, उन्होंने कभी छुआ तक नहीं। और आज उस सिंगोल को नई संसद में ले जाया गया ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, अब राजतंत्र आ जाएगा। ये देश लोकतंत्र से चलता है। आपको बड़ी तकलीफ हुई नेहरू जी ने हाथ तब लगाया जब उन्हें कोई राजा जवाब आपको विदा कर दिया गया, तो आप किसी ना किसी को तो देके जाओगे ना इस देश की कमान, तो उस व्यक्ति ने छुआ तक नहीं था। लेकिन, और आज आप उसी को आगे किए जा रहे हो, लेकिन क्यों? लेकिन, ये जताने के लिए कि राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। मैंने कब कहा कि वो ब्राह्मण नहीं है? पहले ये न्यूज नहीं थी कि उनको जो है, मैं बिल्कुल गलत कहूंगी कि उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी, पहले ये न्यूज कहीं नहीं फैली थी कि वहां पर सिंगोल को जो है स्थापित किया जाएगा। देखिये ये बात तो सच्ची है, उन्होंने तो हर पल पे अपमान किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो बेटी हो, इस देश की जनता का अपमान किया है। ब्राह्मणों का अपमान करना जो है इनको अब नहीं दिख रहा कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, अब नहीं दिख रहा इनको कि देश में ब्राह्मण कितने मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है, कितनी महिलाएं मारी जा रही, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे नॉन ब्राह्मण है, अब नहीं दिख रहा इनको। सिंगोल जब स्थापित किया गया तो किसी को नहीं पता था, सरकार के लोग, अरे सरकार प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बयान दे रहे हैं, कोई उठा गिरा आदमी नहीं दे रहा, कोई झोला छाप व्यक्ति नहीं दे रहा कि झोला लिया और निकल लिया इस देश से, प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बयान दिया। बिना प्रधानमंत्री जी की सलाह के बिना तो सलाहकार हिलता तक नहीं है, बाथरूम में तक नहीं जाता है। राजस्थान में बोलने वाले बहुत लोग हैं, नहीं राहुल प्रियंका नहीं बोलते, देखिए जहाँ बोलने वाले लोग नहीं है, अभी जिस राजस्थान के ज्यादा हाल राजस्थान में महिलाओं का है, सुनिए, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी महिलाओं की जो हालत 3 लड़कों ने खराब की थी, उनको पकड़कर जेल में ठूंसा, उन पे UAPA लगाया गया, और जब जांच में पता चला तो वो लोग कौन थे, ABVP के स्टूडेंट, और ABVP क्या है, भाजपा की एक शाखा है। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को मैं मानता हूँ, अरे ना मानू क्या, तेरे कहने से मानना बंद कर दूंगी क्या भाई? अरे भाई वो हमारे भी बाबा साहब है, समझ गए? उस समय में एक लॉ आया था जिसे कहा गया था हिंदू कोर्ट बिल, और हिंदू ने उसे बढ़ चढ़ के विरोध किया था महिलाओं को लेकर के, जिसे महिलाओं का राइट्स देने की बात हुआ था, और उस समय में बाबा साहब को कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है। जवाब दीजिए, इस देश में पहली लोकसभा स्पीकर जब महिला बनी थी तो उसको भी मेरी पार्टी ने ही बनाया था, जिसमें मैं कार्यकर्ता हूँ। मैंने सवाल भी सुन लिया, आप यहाँ पार्टी की बात अलग करते हैं, पार्टी के भी साथ साथ सवाल कर रहे हैं। आप आज वो कर रही हैं, उस धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि महिलाओं को, जिस धर्म का आप आज बजाव कर रही हैं। भाई मैं क्यों नहीं करूँ, मेरी आस्था है अपने धर्म में। सवाल तो सुन लीजिए, सुन लिया मैंने, सवाल तो सुन लीजिए, सुन लिया। अरे मेरा धर्म है, मैं मानती हूँ, आप मत मानिए, खत्म। और रही बात, संविधान ने हमें अधिकार दिए महिलाओं को पैंट शर्ट पहनने के दिए, ठीक है, हम उस बात का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, इस कमेटी में और भी मेंबर थे संविधान की में, बाबा साहब को ही क्यों चुना गया, क्यों चुना गया बाबा साहब को? दूसरों की सुनो, क्यों चुना गया, मैं पूछती हूँ आपसे, क्यों चुना गया बाबा साहब को? सुनिए, पढ़े लिखे और भी लोग थे, वो भी, वो सबसे पढ़े लिखे थे, लेकिन और भी लोग थे इस कमेटी में, और भी लोग थे, लेकिन अध्यक्ष उन्हीं को क्यों बनाया गया? ताकि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, नेहरू जी ने बात बोली थी। उतना एलिजिबल नहीं था कोई, कितना एलिजिबल नहीं था, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वो भी ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग बाहर से भी पढ़ करके विदेश से भी आए, ये मानती हूँ, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय में लोग अनपढ़ भी थे, ठीक है? सुनिए, किया गया है ना, वो बाबा साहब को भार दिया गया था, बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया, भार दिया जिम्मेदारी, क्योंकि उनमें काबिलियत थी, लेकिन फिर अब और भी लोग थे, क्यों? क्योंकि दलित लोगों की जो है सबको समानता का अधिकार हो, इसलिए उनको, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, तो आपको क्या तकलीफ है? अरे समानता का अधिकार क्यों नहीं, जब तो देश भी आजाद नहीं था ना, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, अरे जब तो देश भी आजाद नहीं था ना, कौन लोग थे, देश आजाद था क्या? ब्रिटिशों के हाथ में देश था, था या नहीं था? नहीं, ब्रिटिशों ने तो अधिकार दिए सब, किसने नहीं, किसी ने किसको अधिकार दिए? लोगों को खाने कमाने के अधिकार थे नहीं, लोगों को अपनी आवाज उठाने के अधिकार थे नहीं, और आप कह रहे हो अधिकार दिया, क्यों, क्या बात कर रहे हैं, क्या, कैसे कैसे?
सबको एक साथ लाए वो तो देखिए। अच्छा वो एक साथ लेके आए, जो फूड डालो राज करो आज भी हम झेल रहे हैं, फूड डालो राज करो जो आज भी नहीं खत्म हो रहा, वो एक साथ लेके आए थे, लगता है वो आपको एक साथ लेके आए होंगे। आपने कहा कि हमें बाबा साहब ने संविधान से, ठीक है ना, बिल्कुल, उससे पहले क्यों नहीं बोल पाते थे लोग, किससे पहले? अगर उससे पहले नहीं बोल पाते तो क्या देश आजाद होता? जब संविधान नहीं था ना, जब देश को आजाद करवाने में झांसी की रानी, मंगल पांडे, सुभाष बोस, नेहरू, गांधी, पटेल, अशफाक उल्ला खान, इन सब का, अंबेडकर सबका योगदान था, तब नहीं था, तब था या नहीं था, तब नहीं था ना संविधान, तब भी बोले थे ना ये लोग, तब भी बोले थे या नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, तब भी ये लोग बोले थे ना जब संविधान नहीं था, बोले थे ना, बोले थे या नहीं बोले थे? देश को आजाद कराया था, नहीं कराया था, संविधान नहीं था लेकिन फिर भी आजाद कराया था ना, तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं। बाबा आप ये सोचो, आप ये सोचो कि दूसरे की तो सुनती नहीं है, इसमें आप बोले जा रहे हो, अरे हिंदू कोर्ट बिल जब लेके आए बाबा साहब, उन्हें चीजें खराब लगी होंगी, ठीक है, उन्हें लगी होंगी चीजें खराब जब उसमें होंगी, क्या लगी खराब, क्यों लाना पड़ा उन्हें? देखिए हिंदू कोर्ट बिल में उन्हें ये चीजें खराब है कि आप अपनी आवाज नहीं, सॉरी क्या बोला आपने, दोबारा सवाल कीजिए, हिंदू कोर्ट बिल लाने की, कोर्ट बिल तो सुनिए, हिंदू धर्म था, इतना बढ़िया था, सब कुछ था, तो क्योंकि उन्होंने तो धर्म को ही मानना छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत परेशान रहते थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनपे किसी ने दबाव बना दिया कि आप धर्म को मत मानो या मानो, ऐसा थोड़ी दबाव थोड़ी बनाया था उन पर, ठीक है, लेकिन उनकी 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 अपने मन की इच्छा थी, तो आप मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हिंदू कोर्ट बिल क्यों लगा? उन्हें नहीं लगा होगा अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें उन्हें गलत लगी होंगी, अब ऐसी गलत चीजें आपको लगी ऐसी हमें भी लगती होंगी, क्या गलत लगा उन्हें? उन्हें लगा होगा, मुझे क्या पता उन्हें क्या गलत लगा, मैं उस समय नहीं थी, अरे बेशक ठीक है उन्हें ये चीज अनुसार क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, किस चीज में? हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के आप अपना विचार रखिए ना उस पर। सबको आज़ादी का अधिकार होना चाहिए, सबको अपनी बात उठाने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति में अधिकार, विवाह का सब कुछ में होना चाहिए, जितना बेटा है उतनी बेटी है, हाँ तो जितना बेटे है बेटी भी उतनी होनी चाहिए, तो आज वो ऐसी है, बाबा साहब को गए हुए बहुत दिन हो गए लेकिन आज वो चीजें हैं। किसने लागू करवाई? उस समय लागू नहीं हुई थी, कुछ दिन पहले ही लागू हुई है, हमारे यूपी में मेरे नाम पे भी जमीन है, आपको पता होना चाहिए, अभी कल लागू है, परसों? नहीं नहीं, काफी दिन पहले यूपी में तो ऐसा नहीं था, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ कि बेटी की भी अधिकार होगी शादी के बाद भी, ये कुछ ही दिन पहले हुआ यूपी में तो।